महाराज शांतन ने जवाब दिया, कैसी है तू माँ? एक माँ अपने बच्चों की हजारों उम्र की कामनाएं करती है, लेकिन तू भी एक माँ है, जिसे तू जन्म देती है उसे अपने हाथों से मार देती है। से मार दिया। बोले महाराज शांतन, अगर मुझे ऐसा पहले मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ में कभी भी शादी नहीं करता। शब्द कहे, गंगा जी ने जवाब दिया, महाराज इससे आगे बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आपने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया, आप ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मैं ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। और इसी समय गंगा ने क्या किया, अरे सुन शांतनु की बात, महाराज प्रतीक ने अपने बेटा शांतन को अपने सर से मुकुट को उतार के शांतन के सर पे रखा और पूरा राजपाट सब कुछ शांतन को दे दिया और महाराज शांतन को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद में महाराज प्रतीक जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब महाराज शांतन वहां के राजा बन गए तो एक दिन का जिक्र है, महाराज शांतन एक दिन घोड़ा पर सवार हुए और हाथ में तलवार लेकर के महाराज शांतन जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए चले तो इन्होंने दूर से देखा कि वृक्षों की लताओं में एक बड़ी सुंदर लड़की छिपी बैठी है, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से चमक रहा है। इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी कि महाराज ने उसको देखा तो बस देखते ही रह गए, इतनी सुंदर थी। वृक्षों की लताओं में और तो कोई नहीं था, गंगा जी छिपी बैठी थी, क्योंकि वरदान तो पहले ही दे चुकी थी कि हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनकर आएंगे। तो गंगा जी ने हाथ का इशारा दिया, आप यहाँ आइए, आप इधर आइए, आप ऐसे वहां भुलाने से क्यों खड़े हो, अरे आप आइए, बताओ तो सही क्या बात है। तो महाराज शांतन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें निहार कर इतना पागल हो गया, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए।
गंगा जी बोले बड़े पागल आदमी हो, क्यों? अरे ना मैंने आपको कभी देखा, और शायद है कि ना आपने मुझे कभी देखा होगा, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना आप मुझे जानते, शादी कैसे कर सकती हूँ? सांतन बोले विवाह न किया तो मैं घर जिंदा लौट कर नहीं जाऊंगा। जब मरने की बात कही तो गंगा जी ने जवाब दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन शादी करने से पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्त है बोलो, क्या शर्त है? गंगा जी ने कहा देखो मुझे वचन दो कि जो मैं कहूंगी तुम्हें मानना पड़ेगा। सांतन ने कहा बोलो क्या कहना चाहती है? गंगा जी ने कहा सुनो मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हो, तुम्हारे घर में जाकर या मैं अच्छा करूं या मैं बुरा करूं, या मैं किसी को जान से मार दूं या मैं किसी को बचा लूं, या अपने घर पे किसी को बैठा लूं या अपने घर से किसी को भगा दूं, तुम्हारे घर में जाकर मैं कुछ भी करूं लेकिन आप हमसे कभी कुछ भी नहीं कहोगे। और सुनो महाराज, जिस दिन तुमने बीच में हमें रोक दिया कोई भी काम करने से, या बीच में कुछ भी तुमने कहा, याद रखना उसी दिन मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो वचन दे दिया महाराज सांतन ने कि मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। तो बड़े ही धूमधाम के साथ में और गंगा जी का विवाह सांतन के साथ में उसी जंगल के बीच में हुआ। तो महाराज सांतन गंगा जी को लेकर के महलों में आए, इतना प्रेम किया गंगा से, इतना प्रेम किया कि महाराज सांतन ने दरबार भी जाना छोड़ दिया, किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब है तो सिर्फ गंगा से। लेकिन याद रखना जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, आर कर गंगा से प्रेम रे आंगन में समय हुआ तो महाराज सांतन बड़ी खुशी मना रहे हैं। महाराज को बढ़ गई खुशी अपार, और ले बेटा को गोद में गंगा पड़ेंगे चली अंगा, अब तो पीछे पीछे चले ग जाए रही राजकुमारी है, अब तो पीछे पीछे चले ग जाए रही राजकुमारी है। जन्म हुआ महाराज सांतन ने बड़ी खुशी मनाई है, लेकिन गंगा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ये गंगा घर से बाहर हो गई। सांतन ने देखा तो विचार करने लगे बड़ी पागल है, अभी अभी बेटे का जन्म हुआ,
और बच्चे को लेकर न जाने कहां जा रही है। अब पीछे पीछे चलने लगे, जा कहां रही है, पूछने के लायक है नहीं, कुछ कहने के लायक है नहीं, क्योंकि वचन पहले ही दे दिया गंगा जी ने कि तुमने बीच में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो कुछ कहने के लायक है नहीं, कुछ बोलने के लायक है नहीं, पीछे पीछे जा रही है, जा कहां रही है, पीछे पीछे चले और ये गंगा वहां जाकर पहुंची जहां पर गंगा की धार बह रही है। शांतन ने वृक्ष की ओट में खड़े होकर देखा कि ये गंगा यहाँ क्यों आई है, अरे इस बच्चे को यहाँ क्यों लाई है, दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। और तब तक उस गंगा ने उस बच्चे का क्या किया, गंगा ने उस बच्चे को हाथों में लिया। महाराज दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन गंगा ने क्या किया, कपन तीनों को गंगा ने बच्चे को गोद में लिया और उस छोटे से बच्चे को गंगा ने गंगा की धार में बहा दिया। शांतन ने देखा, विचार करने लगे, वाह भाई वाह, ये भी एक माँ है जिसको जन्म देती है उसे अपने ही हाथों से मार देती है। कुछ न बोले, चुपचाप घर लौट आए। गंगा को मालूम नहीं पड़ा कि मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा। गंगा भी लौट कर घर आई, लेकिन हुआ क्या, एक दो बालक नहीं, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सौनका दिग ऋषियों, एक दो बालक नहीं, एक एक कर मात ने मारे सात, तो संतन भूप ने छोड़ो नहीं साथ। एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, सात बच्चों को गंगा की धार में बहा दिया। संतन कुछ न बोले। आठवें बच्चे का जन्म हुआ, गंगा बच्चे को लेकर वहीं पहुंची जहां उसने सात पुत्रों को बहा दिया था। दूर से शांतनु खड़े देखने लगे हैं, क्या ये गंगा इस बच्चे को भी बहा देगी। और जैसे ही बहाना चाहा तो शांतन ने विचार किया कि अब ये गंगा रहे या चली जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन इस बच्चे को मैं गंगा को बहाने नहीं दूंगा। जैसे बहाना चाहा, महाराज शांतन ने हाथ उठाकर कहा, अरे ठहरिए, रुक जाइए। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे कौन देख रहा है। महाराज को पाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शांतन ने कहा कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम जानती हो मैंने तुमको देखा नहीं। हर बार मैंने तुम्हें देखा, लेकिन एक बात बताओ, इन जरा जरा से बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिसको तुम जन्म देती हो उसे तुम अपने हाथों से मार देती हो। अरे गंगा कैसी है तू माँ, एक माँ अपने बच्चों के हजारों उम्र की कामनाएं करती है,
लेकिन तू भी एक माँ है जिसको जन्म देती है उसे तू अपने हाथों से मार देती है। मुझे तो लगता है कि तू माँ के नाम पर कोई धोखा है, तू किसी की माँ नहीं हो सकती है। महाराज शांतन को उन सात बच्चों की याद आने लगी जो गंगा जी ने गंगा की धार में बहा दिए थे। आज महाराज शांतन ने रोकर के जवाब दिया, गंगा कैसी है तू माँ? अरे बेटा कपूत हो सकता है लेकिन माँ अपने बच्चे के साथ कभी अहित नहीं करती है, लेकिन तू कैसी माँ है जिसको तू जन्म देती है उसे तू अपने हाथों से ही मार देती है। आज महाराज शांतन रोने लगे और बोले, गंगा कैसी है तू माँ? तू कैसी निरदयी कामनाएं करती है लेकिन तू भी एक माँ है जिसे तू जन्म देती है उसे अपने हाथों से मार देती है। पहले मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ में कभी भी शादी नहीं करता। जरूरत नहीं है, आपने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया, आप ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मैं ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। और इसी समय गंगा ने क्या किया, अरे सुन शांतनु की बात, गंगा दिल में गई दहलाई रे, और बेटा को तो लिखाई दो पुत्रों को जब बहा दिया, महाराज शांतन ने कहा तो उसी समय याद रखना। गंगा ने कहा, महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने मुझसे कुछ भी कहा उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। उस बच्चे को जमीन पर लेटा दिया, बहाया नहीं उसे, ध्यान देना, जमीन पर लेटाकर गंगा शांतन को छोड़ करके गंगा की धार में कूद करके हमेशा हमेशा के लिए शांतन को छोड़ करके चली जाती है।
अब ध्यान देना। महाराज शांतनु उस बच्चे को घर लाए, उसका लालन पालन किया और जब उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया तो उस बच्चे का नाम पड़ा देव व्रत, नाम रखा उसका। ध्यान देना, यही बालक आगे चल करके महाभारत में पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुआ।